सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ पोकेमोन मास्टर जेनी। सो आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एपिसोड 37 को लेके। तो चलो यार वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो लियोन है, जो पोकेमोन की दुनिया पे राज कर रहा है, लीड कर रहा है, उस बंदे के साथ बैटल करने के लिए अपना एज भैया हिस्सा ले लेते हैं वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज। और यहाँ पर वो पहुँच जाते हैं टॉप 64 मतलब अल्ट्रा क्लास में। और आज का नेक्स्ट बैटल होने वाला है जिम लीडर बी के साथ। और जिम लीडर बी के साथ बैटल है तो लुकारियो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होगा, क्योंकि ऐश के साथ बी का 2 दफ़ा पहले बैटल हो चुका है, जहाँ पर पहली बार जब रियोलू और गैप्टेलॉक आमने सामने भिड़े थे तो रियोलू फीका पर गया था और ऐश 2-0 से वो बैटल हार चुका था पूरी तरह से। फिर ऐश आता है बी के साथ बैटल करने के लिए, तब जो रियोलू है वो तो गैप्टेलॉक का बहुत कड़ी टक्कर देता है और वहाँ पर गैप्टेलॉक वर्सेस जो रियोलू का बैटल है वो टाई हो जाता है और ऐश वर्सेस बी का भी बैटल टाई हो जाता है। ये तीसरी बार है जब वो लोग आमने सामने होंगे और यहाँ पर जो बैटल होगा ना वो बहुत मायने रखेगा उन दोनों के लिए, क्योंकि जो जीतेगा वो वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन सीरीज के टॉप 8 में और ज्यादा सामने आएगा। और तभी ऐश और गो चले आते हैं स्टो एंड साइड स्टेडियम जो है ग्लार रीजन में, और ये तुम्हारा बी का होम ट्रैक भी है। मतलब उसके पास तो ऐश के सामने एडवांटेज ही एडवांटेज होंगे बैटल में, फिर भी वो बंदी यहाँ पर आके अपने पोकेमोन को ट्रेन करती है और दिखाती है ऐश के साथ उसका बैटल, उसमें जीतना बी को कितना मायने रखता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता चल रहा बी यहाँ पर इन पोकेमोन को कैरेटे सिखा रहे हैं या मार्शल आर्ट सिखा रहे हैं, कोई कॉमेंट में बताएगा। और तभी जो ऐश है भाई थोड़ा सीखा ले, अपने पोकेमोन को भी थोड़ा बहुत ट्रेन कर ले। तभी जो बी है वो थोड़ा नोटिस करते हैं ऐश को और बोलते हैं अरे रियोलू ट्रेनर कितने दिनों बाद मिले। तभी ऐश बोलता है मेरा नाम रियोलू ट्रेनर नहीं है, मेरा नाम ऐश है, मुझे ऐश कह के बोलो। और रियोलू नहीं रहा, वो अब लुकारियो में इवॉल्व हो चुका है। अरे वाह लुकारियो ट्रेनर बधाई हो, तुम्हारा रियोलू इवॉल्व हो गया। ऐश बोलता है यार छोड़ो इसको समझाना ही बेकार है। तभी जो लुकारियो है वो सारे पोकेमोन से मिलता है जो बी का है और सारे बोलते हैं यार तू पहले इतना पिद्दू सा था, अब इवॉल्व होकर कितना बड़ा बन गया रे। और सभी पोकेमोन उसकी बाय बाय करता है। और तभी जो ऐश अपने सारे पोकेमोन को निकाल देता है और पिकाचू भी शामिल हो जाता है। अब जो बी है वो ऐश से कहता है चलो यार हम दोनों मिलके एक साथ ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जो अपना ऐश भैया है वो तो ट्रेनिंग नहीं करने वाले। वो बोलते हैं मेरी एक दोस्त मुझसे मिलने आने वाली थी, मैं उसके लिए इंतजार कर रहा हूँ, तो माफ़ करना। मतलब इस बंदे में शर्म नाम की कोई चीज़ है ही नहीं, वो जिम लीडर है, उसके पास होम एडवांटेज भी है, फिर भी वो बंदी यहाँ पर आके अपने पोकेमोन को ट्रेन करती है और ये बंदा इसके दोस्त के लिए वेट करती है। फिलहाल इसका दोस्त होता है कोई ना, जो बी का खास दुश्मन हुआ करता था किसी एक ज़माने में, और एक बैटल में बी को हरा दिया था बुरी तरह और बोली थी बी ओवर कॉन्फिडेंट थी इसलिए हार गई। ऐश उसको उस एपिसोड में पूछा था कि ओवर कॉन्फिडेंट का मतलब क्या है, तभी बी बोलती है देखो मुझे इस मामले में कोई बातचीत नहीं करनी है, यही सब गो ऐश को समझाता है और वो लोग डर जाते हैं। तभी कोरिना बी की ओर घुड़े जा रहा था और उसकी ओर भागता है। ऐश और गो तो परेशान हो जाते हैं भाई आज हाथापाई ना हो जाए, क्योंकि बी को कुंफू कराटे कुछ तो आता था। और बैटल 3 विद बी ये थीम है इस एपिसोड का। और अपना जो ऐश भैया है वो तो कोई ना को भाई रोकने की बहुत कोशिश कर रहा था, लेकिन वो रुकते नहीं है यार, लड़की को रुक पाना बहुत ही मुश्किल है। तभी जो है बी के पास वो आके वो बी हाई करती है। ऐश और गो सोचने लगते हैं बी ये क्या हो गया बे। कोरिना बी को सॉरी बोलती है और यहाँ पर जो कोरिना है वो बोलती है मैंने तुम्हारे लिए बहुत सारे लुमियस कैरेट खरीदना चाहती थी लेकिन सारे सोल्ड आउट हो गए थे इसलिए मुझे इतना ही मिला, प्लीज इसको एक्सेप्ट कर लो। तभी बी उसको बोलती है तुम यहाँ पर उन दोनों से मिलने आई थी। और यहाँ पर कोरिना उन लोगों को बोलती है हाय ऐश हाय गो, वो लोग तो मेरी तरह ही हैरान हो गए थे क्योंकि मुझको उन दोनों में मारामारी देखना था यार, वो देख नहीं पाया, लेकिन चलो हमारे गुजारिश यहाँ पर लुकारियो ने मिटा दिया, क्योंकि दोनों लुकारियो मतलब ऐश का लुकारियो और अपना जो कोरिना है उसका लुकारियो बी के दोनों पोकेमोन के साथ बैटल करने लग जाता है। तभी ऐश बोलता है यार दोनों छोड़ो यार बैटल करना, खाओ आराम से, दोनों हैंडशेक कर लेते हैं। और यहाँ पर जो कोई ना है बोलते हैं सबको ये खाना बहुत पसंद आया तो तुमको थैंक्स। तभी बोलती है नहीं नहीं अभी और बाकी है मेरे लिबरल चॉकलेट्स, ये लोग टेस्ट करो, ये बहुत ज़्यादा ऑसम है और ट्रेडिशन है हमारे कार्लोस का। और तभी ऐश और गो लोग टेस्ट करते हैं और बोलते हैं वाओ ये कितना ऑसम है यार। और ऐश खाते खाते कोई ना से पूछते हैं मुझे ऐसा लगा तुम बी से गुस्सा हो क्योंकि वो तुम्हें ओवर कॉन्फिडेंट बोल दी थी एक बैटल खेलते वक्त। अब जो बी है वो कोई ना की ओर देखता है और कोई ना ऐश से कहती है ना ऐसा कुछ नहीं है ऐश,
मैं जो बी है उसको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। एज अ फाइटिंग पोकेमॉन ट्रेनर मैं उससे बहुत कुछ सीख सकता हूँ, इसलिए मैं उसको रिस्पेक्ट देता हूँ। यहाँ पर बी जो है वो बोलते हैं, हाँ मैं भी कोहिना को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ क्योंकि उसने मुझको लिबरल चॉकलेट दिलाया, मतलब खिलाया, मतलब खिलाने के लिए वो बी को रिस्पेक्ट देती है, बढ़ना नहीं देती। मतलब बंदी को देखिए वो कितना एटीट्यूड वाली है। तभी यहाँ पर कोहिना ऐश से कहती है कि मुझे, मैंने सुना तुम बी से इस बार थर्ड टाइम बैटल करने वाले हो। ऐश बोलता है हाँ, और मैं इस बैटल को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने वाला हूँ। और बी बोलता है मैं भी देखना चाहता हूँ इस बैटल के बाद मेरे अंदर क्या क्या गेन होने वाले हो, मैं देखना चाहता हूँ। फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ हैंडशेक कर लेते हैं और ऐश कोहिना से पूछते हैं तुम किसको सपोर्ट करोगी इस बैटल में। तो कोहिना बोलते हैं मैं तो दोनों को सपोर्ट करूंगी। और तब गो कहता है फिर तो तुम्हारे लिए कल वाला बैटल बहुत ही बिजी होगा क्योंकि दोनों को सपोर्ट करते करते तुम तो थक जाओगी। फिर यहाँ पर रात के समय हो जाता है और गो यहाँ पर रिसर्च कर रहा है कि बी के पास कौन कौन से पोकेमॉन है जिसको यूज कर सकती है बैटल में। और ऐश बोलता है तुम टेंशन मत लो, बैटल तो मैं ही जीतने वाला हूँ, बस तुम मेरे को सपोर्ट करना। और अब हमें सीन दिखाया जाता है अगले दिन सुबह का, जहाँ पर ऐश और बी का बैटल होने वाला है स्टू एंड साइज स्टेडियम में। और यहाँ पर लोग यार खचाखच भरे पड़े थे और यहाँ पर अपना जो बी है वो चलाता है और दूसरी तरफ से ऐश की एंट्री होती है। बी के हाथ में तो भाई जायजेंटा मैक्स वाला बैंड रहता है और अपने ऐश भैया के हाथों में होता है उसका मेगा स्टोन, मतलब आज हमें देखने के लिए मिल सकता है मेगा इवॉल्व पहली बार लुकारियो के साथ। तो यहाँ पर वो दोनों आते हैं, अपने अपने जगह पे जाते हैं और दोनों ही अपने फिनोमिनास की ओर घूरते रहते हैं और देखते हैं दोनों दोनों के फिनोमिनास को। और भाई थोड़ा डर भर का सीन रहता है यहाँ पर। और फिर हमें दिखाया जाता है कि ऐश और बी इस पोकेमॉन बैटल में तीन पोकेमॉन और एक फिनोमिना का इस्तेमाल कर सकते हैं और वो लोग बैटल करने के लिए स्टार्ट हो जाते हैं, जहाँ पर बी उसका फर्स्ट पोकेमॉन जो है उसका भरोसे वाला ग्रैप्टलॉक को भेज देता है और अपना ऐश भैया अपना चहिता पिकाचू को भेज देता है। तभी रोटोम आके कहता है तुम लोग बैटल स्टार्ट कर सकते हो, तो चलो स्टार्ट करो। और ऐश पिकाचू को भेज देता है क्विक अटैक करने के लिए। पिकाचू तो अपनी पूरी रफ्तार से स्टार्ट हो जाता है और जो बी है वो अपने ग्रैप्टलॉक को बोल देता है डिटेक्ट करने के लिए और अखियों से तीर बरसाता है पिकाचू के ऊपर और बच जाता है क्विक अटैक से। तभी ऐश कहता है इलेक्ट्रो वेव का इस्तेमाल करने के लिए और पिकाचू इलेक्ट्रो वेव का जाल बिछा के ग्रैप्टलॉक को अपने जालों में फंसा लेता है। और यहाँ पर पिकाचू को कहता है पिकाचू जाओ तुम अब आयरन टेल करो। और पिकाचू यहाँ पर आयरन टेल करने जाता ही है तभी बी बोलता है ग्रैप्टलॉक क्लोज कॉम्बैट। तो पिकाचू यहाँ पर आयरन टेल करने के लिए जाता रहता है और यहाँ पर जो ग्रैप्टलॉक है वो क्लोज कॉम्बैट से पिकाचू को बहुत ही ज़्यादा धोता है, जिससे पिकाचू भाई बहुत मार खाता है यार, वो गिर गया था। मुझे ऐसा लगा पिकाचू का गेम ओवर। और जो ग्रैप्टलॉक है वो तो इलेक्ट्रो वेव से भी छूट गया, लेकिन पिकाचू अपनी बहादुरी का दिखाता है और वहाँ से उठ जाता है और ऐश पिकाचू को वापस बुला के भेज देता है उसका सबसे ताकतवर पोकेमॉन लुकारियो। और अपना जो गो है वो कोहिना से कहती है लुकारियो जब रियोलू था तब उसके सामने ग्रैप्टलॉक जब आया था तो मैच ड्रॉ हो गया था, तो अब लुकारियो के पास चांस है कि वो ग्रैप्टलॉक को हरा के उसका बदला पूरा कर पाए, यही सब वो कोहिना से कह रही थी। उसके बाद फिर जो ग्रैप्टलॉक है वो लिक्विडेशन करने के लिए जाता है लुकारियो के ऊपर, अपना लुकारियो भी डबल टीम कर लेता है और जो लिक्विडेशन है उसे बच लेता है, लेकिन बी उससे कहती है सारे लिक्विडेशन को गोलियों की तरह बरसा दो लुकारियो के ऊपर, और वो वैसा ही करता है और सारे लुकारियो भाग जाते हैं, मतलब हार जाते हैं क्योंकि ये डबल टीम था तो सारे गायब हो जाते हैं। और वो ढूंढ रहा था लुकारियो कहाँ पर है, सभी ढूंढ रहे थे, तभी देखते हैं लुकारियो जो ग्रैप्टलॉक है उसके पीछे छुपा हुआ था और ऐश उसको कहता है वॉटर स्पीयर करने के लिए। तभी बी बोल देता है यार डिटेक्ट करो ग्रैप्टलॉक, और ग्रैप्टलॉक डिटेक्ट से बच जाता है और उसको वापस बुला लेता है बी। अब बी ग्रैप्टलॉक को वापस बुला लेता है, इससे तो ऐश बहुत ही गुस्सा हो जाता है, यार वापस बुला लिया, हरा देता ग्रैप्टलॉक को, ख़त्म हो जाता मैच। तो यहाँ पर जो बी है अब इस्तेमाल कर देता है उसका हाउ लुच्चा को, तो हाउ लुच्चा चलाता है एकदम लुच्छे की तरह चलाता है हाउ लुच्चा। और हाउ लुच्चा यहाँ पर आते ही ऐश बोलता है ओ एक हाउ लुच्चा आराम से हरा दूंगा, लेकिन इतना इजी भी नहीं है भाई, सामने बी है। तो बी उसको भेज देता है हाई जंप किक करने के लिए और यहाँ पर ऐश भी लुकारियो को बोलते हैं जाओ लुकारियो कमाल दिखाओ, मतलब अटैक वटैक करने के लिए नहीं बोला। और लुकारियो हाउ लुच्चा के विंग अटैक से तो खुद को डिफेंस कर लेता है और ऐश भी खुश है वाह बेटे वाह तूने डिफेंस कर लिया। तभी जो बी है उसको विंग अटैक करने के लिए भेज देता है और यहाँ पर विंग अटैक करते हुए आता है हाउ लुच्चा, दूसरी तरफ लुकारियो भी जाता है, दोनों एक दूसरे के ऊपर बहुत
ज्यादा मुक्काबाजी कर रहे थे और ऐश बोलता है नहीं ऐसे मजा नहीं आ रहा, तुम लोग अब किक विक करो एक दूसरे के ऊपर। और दोनों किक करते हैं और दोनों ही एक तरफ किक करते करते और दोनों गिर जाते हैं। अब भी हाउलुचा को बोल देता है कि तुम स्काई अटैक करो हाउलुचा, और हाउलुचा यहाँ पर रेडी हो जाता है स्काई अटैक के लिए, उड़ान भरने के लिए कोशिश करता है। और तभी ऐश बोल देता है लुकारियो जाओ अटैक करो, और लुकारियो क्विक अटैक के साथ जाता है और वो जो हाउलुचा है आसमान में चला जाता है और आसमान से सीधा गिरता है लुकारियो के ऊपर, और स्काई अटैक सक्सेसफुली टारगेट हो जाता है लुकारियो के ऊपर और लुकारियो भाई गिर जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है लुकारियो गया, काम तमाम है, लेकिन यार ऐश को जितवाना है ना पोकेमोन वालों को, इसलिए पिकाचू की तरह लुकारियो के भी उठा दिया जैसे तैसे करके, और लुकारियो पूरा जोश में है, वो जीतेगा तीनों पोकेमोन को खुद के दम पे हराएगा। तो ऐश भी रेडी है, यार लुकारियो कमाल कर देता है दूसरी। तभी जो बी है वो फिर से हाउलुचा को वापस बुला लेता है और भेज देता है उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन जो है मकचैम, जो आते ही अपने डोले शोले लुकारियो को दिखाते हैं और डराने की कोशिश करते हैं। और दूसरी तरफ कोई ना का लुकारियो बोलता है ए लुकारियो तू वापस आ जा रहे, मैं उसके साथ बैटल करूंगा, मुझे जाने दे। तो यहाँ पर जो गो है वो मतलब मकचैम के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लेता है और सोचता है इसका मकचैम अगर जायजेंटा मैक्स हुआ तो कितना डरावना लगेगा, ऐश का क्या होगा। फिर जो मकचैम है वो बुलेट पंच करने के लिए लुकारियो के पास आता है और ऐश भी भेज देता है लुकारियो को फोर्स पंप करने के लिए, लेकिन जो मकचैम है वो तो फोर्स पंप करने नहीं देता बुलेट पंच से, यार जो लुकारियो का है उसको भाई बहुत धोता है। फिर जो ऐश है फिर से फोर्स पंप करने के लिए बोलता है लुकारियो को, लेकिन वो सारे उसके हाथों को ही पकड़ लेता है और मकचैम उसको फिर जकड़ लेता है। अब भी मकचैम को फिर से बोल देता है जाओ मकचैम अब बुलेट पंच करो, फिर से वो बुलेट पंच के इस्तेमाल कर देता है लुकारियो के ऊपर और ऐश कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि दोनों हाथ पकड़े हुए हैं, तो लुकारियो भाई कैसे छूट पाएगा। और फिर से जो बी है वो बोल देता है क्रॉस चॉप करने के लिए, ऐश तो डर जाता है यार क्या कर रहा है बंदी, छोड़ ना हाथ को लुकारियो के, और क्रॉस चॉप मार देता है सीधा लुकारियो के ऊपर। भाई चार हाथ है ना इसके एडवांटेज है, लुकारियो के पास भी अगर आठ दस होता तो आज लुकारियो भी उसका तल देता। और यहाँ पर जो बी है वो फिर से बुलेट पंच के इस्तेमाल करने के लिए बोल देते हैं और तीसरी बार बुलेट पंच कर देता है लुकारियो के ऊपर। अब जो लुकारियो है भाई बहुत पिट गया था और ऐश को उसका मार देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो उसके मेगा ग्लव्स को पकड़ लेता है और सभी हैरान हो जाते हैं बी जितने लोग वहाँ पर बैठे थे, क्योंकि आज पहली बार ऐश इस्तेमाल करने वाला है मेगा इवॉल्व, क्योंकि पहले उसने बॉन इवॉल्व किया था ग्रीन निंजा के साथ, लेकिन अपना जो लुकारियो करने से मना कर देता है और चिल्लाता है बहुत। अभी कोई ना कहते लुकारियो नहीं चाहता बॉन इवॉल्व होने के लिए, वो चाहता है ऐश और लुकारियो खुद से इस मकचैम और बी का सामना करे। तभी जो लुकारियो है अपने हेड की मदद से मकचैम को हटा देता है और उसके जगह से बच लेता है। बी तो हैरान है भाई क्या कर रहे हैं। अब जो लुकारियो भाई थक जाता है और ऐश भी हैरान था लुकारियो के इस बिहेवियर से, फिर उसको समझ आता है लुकारियो चाहता है ऐश और लुकारियो दोनों मिलकर बी का सामना करे, और ऐश लुकारियो के फीलिंग्स को ना समझने के लिए उसको सॉरी बोल देता है। और दूसरी तरफ जो बी है वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि एक ट्रेनर और एक पोकेमोन में इतना ज़्यादा बॉन्ड देख के। और तभी यहाँ पर जो कॉमेंट्री कर रहे थे वो बोल उठते हैं कि इन दोनों में शायद बॉन्ड की कमी है इसलिए ये अपने पोकेमोन को मेगा इवॉल्व नहीं कर पाया। तो यहाँ पर तभी एक आवाज़ आता है और बोल देता है शायद उनमें बॉन्ड की कमी है, नहीं तो उनमें बहुत ज़्यादा ही बॉन्ड है इसलिए वो लोग बॉन्ड इवॉल्व नहीं कर पाए। तभी जो कॉमेंट्री करने वाले अंकल थे वो लियोन से पूछते हैं आपको आने में इतनी देरी कैसे हो गई। तभी अपना भुलक कर लियोन बोल देता है मैं रास्ता भूल गया था और कोई मुझे यहाँ पर आने का रास्ता नहीं बोल रहा था, मतलब ऐसे कैसे यार तू पोकेमोन की दुनिया का राजा है यार तुझको कोई रास्ता नहीं बोल रहा था। तभी यहाँ पर जो लोग थे सभी चिल्ला रहे होते हैं और कोई ना और गो भाई कौन है ये लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हैं। तभी वो लोग स्क्रीन में देखते हैं यहाँ पर लियोन है और लियोन कहता है जब कोई पोकेमोन ट्रेनर और पोकेमोन में बॉन्ड बढ़ता है तब वो मेगा इवॉल्व हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लुकारियो है वो जानता है ऐश और लुकारियो दोनों मिलके बी और उसके पोकेमोन का सामना कर सकते हैं, ये दिखाता है उन दोनों में कितना ज़्यादा भयंकर वाला बॉन्ड है। तभी जो ऐश और बी है वो देखता है स्क्रीन के ऊपर लियोन आया है और दोनों एक दूसरे के साथ बहस करने लगते हैं। ऐश बोल देता है मेरे साथ ही लियोन का बैटल होगा फाइनल में, और बी बोल देता है नहीं मैं जाऊंगा मैं लियोन के साथ बैटल करूंगा। और फिर ऐश और बी तैयार हो जाते हैं बैटल करने के लिए और यहाँ पर बी मकचैम को फिर से भेज देता है और ऐश लुकारियो को फिर से भेज देता है। मकचैम यहाँ पर डोले शोले दिखा के जाता है और लुकारियो भी यार फुल जोश में फिर से अटैक करने के लिए चला जाता है। अब लुकारियो बहुत स्ट्रांग लग रहा था। एपिसोड तो यहीं पर ही खत्म हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हमें पता चलेगा कौन जीतेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।